हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूफोरिक आर्ट एंड ओरिगामी यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्टोरी ड्राइंग बनाएंगे। उसके लिए मैम ने A4 साइज शीट ली है और उसके स्केल की हेल्प से चारों तरफ मार्जिन लाइन ड्रॉ की है। अब आप ध्यान से देखो, मैम ने स्टार्ट किया, एक छोटा सा सर्कल बनाया है और एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक कर्व लाइन एंड देन स्मॉल ट्राइंगल और फिर एक वन मोर स्मॉल ट्राइंगल एंड देन आइज। सी क्या बन गई, बर्ड। अब बर्ड के विंग्स के लिए मैम ने देखो लॉन्ग ट्राइंगल बनाया है सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ऐसे दो लॉन्ग ट्राइंगल्स स्लांटिंग लाइंस बनाते हुए मैम ने बनाया है। अभी फिर से ध्यान से देखिए, मैम बर्ड्स बनाना सिखा रही हैं आपको कि बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं स्काई में एक डिफरेंट पोस्चर्स में। तो ध्यान से देखो ये बर्ड कैसे उड़ रही है, इसके विंग्स मैम कैसे बनाएंगी। अब देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल लेंगे मैम और उसको ऊपर की तरफ स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करी हैं, मतलब ऊपर की तरफ टू लॉन्ग ट्रायंगल्स मैम ने बनाए हैं। देखा कितना इजी है बर्ड ड्राना बनाना। अब ये मैम हेल्पिंग लाइंस बना रही हैं, वैसे बर्ड्स को बनाने के लिए ये हेल्पिंग लाइंस हैं आपकी। बाद में आप देखना मैम इनको विंग्स की कैसे और भी सुंदर शेप देंगी। अब ध्यान से देखो ये बर्ड्स कैसे फ्लाई करेगी, इसके भी हमने सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करी और एक लॉन्ग ट्राइंगल बन गया और अब एक नीचे की तरफ स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करी और एक और ट्राइंगल बन गया। देखा कितना ईजी है डिफरेंट पोस्चर्स में बर्ड कैसे उड़ रही है स्काई में। अभी देखो सर्कल, स्लीपिंग लाइन, सेमी सर्कल शेप, ट्रायंगल शेप एंड देन वन मोर स्मॉल ट्रायंगल, आईज, देन विंग्स मैम विल मेक फ्रॉम द विंग्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल शेप, स्लांटिंग लाइंस, टू स्लांटिंग लाइंस टुगेदर वी आर मेकिंग टू विंग्स इन दिस बर्ड एंड वन मोर बर्ड वी विल ड्रॉ अगेन, सर्कल, then small triangle, then semicircle shape, and then one more triangle, and then eyes, and then slanting line, long two triangles we will make like this. See, these birds are now ready. These are the helping lines. Now we will erase the helping lines to give the shape, proper shape of the wings. See, with on the helping lines ma'am have put the curves lines to give the shape of the wings. See, so easy it is. See the tail also in the triangle shape, only ma'am is moving the pencil in curves. See the steps, very easy to make the wings feathers, huh? See the bird's wings, it is the help on the helping lines ma'am is moving the pencil in the curves, small curves ma'am is putting. See the now bird's wings are looking real, isn't it? It's so easy to make a flying birds in different postures. Now you will ask me why so many birds we are drawing. Children, this is the part of your story drawing. We are making these birds, they are flying in the sky but they are trapped in a net. So ma'am is making a net with the help of the scale. I am drawing the slanting lines. ध्यान से देखो मैम स्लांटिंग लाइंस बना रही हैं। ये नेट की शेप हम इसको देंगे। अब एक और डायगोनल्स लाइंस बना रही हैं तो ये एक नेट बन जाएगा। बर्ड्स नेट में फंस गई हैं, हाँ। ये बर्ड्स जंगल से उड़ के जा रही थी तो वहाँ पे एक शिकारी ने जाल बिछाया था और अब हम एक शिकारी बना रहे हैं, एक शिकारी बॉय बना रहे हैं, एक सर्कल शेप और अब उसकी हम बॉडी बनाएंगे, नेक बनाई और अब उसकी हम ड्रेस बनाएंगे बॉय की। तो देखो कितना इजी है बॉय भी बनाना। आप पहले ध्यान से पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा लास्ट में भी। तो आप देखो ये बॉय की ड्रेस बनाई। अब बॉय के हैंड्स देखो कैसे बनाएंगे मैम। बॉय के हैंड्स ऊपर को हैंड्स अप कर रखें बॉय ने, तो टू स्लांटिंग लाइन्स वी विल मेक, टू पैरेलल स्लांटिंग लाइन्स, ऊपर से नैरो रखेंगे नीचे से ब्रॉड करेंगे। तो ये ऐसे बॉय बनाया है, दोनों हाथ उसके ऊपर हैं। टू स्लांटिंग लाइंस वी विल मेक, ऊपर से नैरो रखेंगे और नीचे से ब्रॉड रखेंगे। तो ये बॉय के हाथ ऊपर हैं, ये शाउटिंग कर रहा है, शाउट कर रहा है ये।
हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, हाँ पकड़ो पकड़ो, ऐसे ये बोल रहा है। तो ये एक शिकारी है, हंटर है जंगल में, जिसने बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। और क्लेवर बर्ड्स ने क्या किया, वो जाल को ही उठा के उड़ा के ले गई। तो देखा, और अब ये जंगल सीन है तो हमें ग्रास तो बनानी है, ग्रास बुशेस, तो आप उसको ऐसे कर्व लाइंस में बुशेस बना दो। और बस अब हम इसको पिक्चर को ब्लैक स्केच करेंगे। ये आपको पता है क्यों मैम ब्लैक स्केच कर रही हैं, क्योंकि अब मैम ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ करेंगी। तो जब भी हम ऑयल पेस्टल्स या प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं तो वी विल यूज़ फर्स्ट ब्लैक स्केच, और जब हम वाटर कलर करेंगे तो लास्ट में हम ब्लैक स्केच करते हैं। और अब देखिए स्केच, ब्लैक स्केच से मैम स्केचिंग कर रही हैं। और जो हमने ये नेट बनाया है इसको अब मैम स्केल से नहीं, हेल्प से नहीं बनाएंगे, अब हम फ्री हैंड से ब्लैक स्केच से लाइंस को आउटलाइन करेंगे। ये देखो लाइंस को बिना स्केल की हेल्प से हमें ये लाइंस को आउटलाइन ब्लैक स्केच करना है। ठीक है, अब हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कलरिंग स्टार्ट करने से पहले पेंसिल लाइंस को इरेज किया, और अब मैम ने डॉम्स के ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अब आप भी रेडी हो जाओ कलर्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले डार्क कलर से आउटलाइन करेंगे, कलर डार्क ब्राउन से आउटलाइन किया है, और इसके अंदर इसको हम मिक्स करेंगे गोल्डन येलो कलर से। ठीक है, अब आप कलरिंग ध्यान से देखो कैसे कर रही हैं मैम। एक स्टोरी है, स्टोरी ड्राइंग बनाई है मैम ने, स्टोरी का नाम है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ मीन्स यूनिटी अगर हम रखते हैं तो कितने हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हम कितने पावरफुल हो जाते हैं, ये उसकी स्टोरी है। तो ये बर्ड्स की स्टोरी है, जो बर्ड्स एक बार एक जंगल में जा रही थी, जंगल में किसी ने अनाज के दाने डाले हुए थे, तो अनाज देखकर बर्ड्स सब फटाफट से नीचे उतर गई उसको खाने के लिए। और जब खा के वो उड़ने लगी तो उन्होंने देखा कि अरे वो तो जाल में फंस गई हैं। उन्हें तब समझ में आया ये तो शिकारी ने एक जाल बिछाया था, अब हम तो फंस गए, अब हम क्या करें। वो बहुत कोशिश करती हैं उड़ने के लिए मगर वो उड़ नहीं पाती। फिर एक क्लेवर बर्ड होती है उनमें, एक बहुत समझदार बर्ड होती है, और वो बर्ड कहती है कि ऐसे नहीं उड़ सकते हम सबको एक साथ उड़ना पड़ेगा, एक साथ पावर लगा के अगर हम उड़ेंगे तो हम फटाफट से झट से उड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, सब बर्ड्स ने एक साथ ज़ोर से हिम्मत करी और फिर पूरे जाल को ही लेके सारी बर्ड्स उड़ गई। और जितने में शिकारी आके देखता है क्या, उसका जाल ही लेके बर्ड्स उड़ गई, और वो शाउट करता रह गया, वो चिल्लाता ही रह गया, अरे मेरा जाल भी ले गई बर्ड्स, तो बहुत क्लेवर बर्ड्स हैं, वो उनको पकड़ने के लिए भागता ही था। और वो बर्ड्स फुर से उड़ गई, और कुछ दूर पे जाके बर्ड्स के फ्रेंड्स थे, चूहे थे, उनके फ्रेंड्स रैट्स थे, रैट्स ने सारा उनका नेट को, सारे नेट को काट दिया। तो देखा कितनी पावर होती है, अगर हम एक साथ रहते हैं, एक साथ हिम्मत काम करते हैं, तो एक मिलजुल के काम करते हैं तो कितनी अच्छी स्ट्रेंथ बन जाती है हमारी। तो इसीलिए यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड द ड्राइंग, सो लेट मी सी नाउ हु विल सेंड मी द ड्राइंग्स। आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।